Hello students, today we are going to start the first chapter of class 9th, book name Beehive, and the lesson name is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So, The Fun They Had, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So, ये story है, The Fun They Had, ये future के according set की गई है. जब books and schools, जैसा हम जानते हैं, वो हो सकता है कि नहीं हो. So, अब books and schools नहीं होंगे, तो students पढ़ाई कैसे करेंगे? The diagram below may give you some ideas. Diagrams को देख के आपको कुछ ideas आएंगे. So, schools of the future. अब future के schools कैसे होंगे? Learning through computers, virtual classroom, robotic teacher, moving e-text. इसके according जो future के students हैं वो पढ़ाई करेंगे जब schools नहीं होंगे. Okay? Have you ever read words on a television or computer screen? कि आपने कभी television या computer के screen पे words पढ़े हैं? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? अब देखो इसमें बोलते हैं कि आपसे imagine करो जब ऐसा time आएगा जब जो books है वो computers पे ही होंगी और books paper पे print नहीं होंगी. Would you like such books better? क्या आप ऐसी books को पसंद करेंगे? So, let's begin the lesson. हम देखते हैं कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे. सो द फर्स्ट नेम इज मार्गी. मार्गी मार्गी इज अ गर्ल. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सो मार्गी एक गर्ल है जिसने रात को अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. सो अब जो डेट पड़ी थी उसमें डायरी में वो क्या थी? 17 May 2157 की थी. और इस टाइम पे हम किस में चल रहे प्रेजेंट में? 2020 में. सो तो ये आज से कितने साल आगे की बात होगी जब स्कूल्स क्या हैं? जब हम पढ़ाई करेंगे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे जहाँ पे टीचर्स नहीं होंगे. शी रोट उसने अपनी डायरी में लिखा टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी ने एक रियल बुक मिली टॉमी को. सो हेयर आर टू करेक्टर्स. फर्स्ट वन इज मार्गी. मार्गी इज अ गर्ल एंड टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट देन व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. सो अब बोलते हैं मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. मीन्स जो बुक रियल होती है वो मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ओल्ड बुक है. अब मार्गी बताती कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार कहा था जब वो छोटे बच्चे थे. तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी. ओके They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उसके बाद जब उन्हें बुक्स मिलती है तो वे पेपर जो बुक्स के पेज टर्न करते हैं और जो बुक्स के पेपर थे क्योंकि बहुत ओल्ड बुक हो गई थी तो उसके पेपर्स कैसे हो गए थे? येलो और क्रिंकली हो गए थे. क्रिंकली मीन्स उनमें बहुत सारी लाइन्स आ गई थी बहुत सारे फोल्ड्स आ गए थे. इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. अब मार्गी एंड टॉमी के लिए काफ़ी ऑफली था कि जो वर्ड्स थे वो एक ही प्लेस पर हैं वो मूव नहीं कर सकते जैसे उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते थे. एंड देन When they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. अब जब वो बुक के पेजेस टर्न करते हैं तो वर्ड्स जैसे थे वो एक ही जगह पे वैसे ही रहते हैं
जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, बाद में देखने में भी वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं, बुक्स के वर्ड्स मूव नहीं करते हैं। तो बोलते ई सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी बोलता है ई व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है, व्हेन यू आर गो थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम्हें इस बुक को देखो तुम्हें इस बुक को फेंक देना चाहिए आई गेस, मेरे हिसाब से। अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। सो बोलते हैं कि जो मेरी टेलीविजन की स्क्रीन है उसमें बहुत सारी मिलियंस बुक्स हैं और जो काफी अच्छी हैं, इट वुडंट थ्रो इट अवे, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैंने फेंकता भी नहीं हूँ। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। सो मार्गी बोलती है मेरे साथ भी सेम यही है। मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो मार्गी है वो 11 ईयर की है और उसने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है टेली बुक्स। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो बोलती है टॉमी से तुम्हें ये कहाँ मिली, जो रियल बुक थी वो तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी बोलता है मुझे मेरे घर में मिली, वो बिना देखे हुए बोलता है क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, जो हमारी छत है उसके नीचे छोटा सा रूम होता है जिसे हम स्टोर रूम के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम एटिक। वहां पे टॉमी को बुक मिली। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल या व्हाट इट अबाउट स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी क्या है उसे काफी इंटरेस्ट नहीं आता, काफी हेटफुल से बोलती है, हेटफुल मैनर में बोलती है कि स्कूल, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी बट वो इस टाइम पे और ज्यादा कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो उसके बाद बोलते हैं मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी बट आजकल वो और ज्यादा कर रही है। जिसका मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी के, और जो मार्गी है वो उसे खराब से उसका परफॉर्मेंस खराब से खराब होता जा रहा है, जब तक उसकी मदर ने उसका सर ना हिलाया और उसे कंट्री इंस्पेक्टर को भेजा। She was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. So, उसके बाद जो country inspector है वो वहाँ पे आता है, वो red face का है और जो उनके पास box है वो tools और wires से भरा हुआ है। वो Margie की ओर को smile करता है और उसे एक apple देता है। Then took the teacher apart. फिर teacher को अपने साथ लेता है। मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसके बाद जो मार्गी है वो सोचती है कि इसका जो टीचर जो इंस्पेक्टर है जो उसे उसके ठीक करने के लिए आया है उसके टीचर को, तो उसे लगता है कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे करेगा, बट लेकिन वो सिर्फ एक घंटे में उसको ठीक कर देता है। फिर से उसके पास वही बड़ी सी काली सी और खराब सी स्क्रीन आ जाती है उसके सामने। ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क, जिसमें सारे लेसन्स शो होने लग गए थे और सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेट इट मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब इसमें सबसे खराब पार्ट क्या था जो मार्गी को पसंद नहीं था, वो ये था जब उसे स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब वो बोलती है उन्हें लिखने के लिए पंच कोड दिया जाता था, जो कि जब वो 6 साल से थी उसने तब सीखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। एंड जो मैकेनिकल टीचर था उनका, उसे उनके मार्क्स काउंट करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. उसके बाद जो इंस्पेक्टर था, जो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने घर पे आया था, उसने अपना काम कंप्लीट किया और स्माइल करी मार्गी की ओर को और मार्गी के सर पे हाथ रखा। उसने मार्गी की मदर से कहा, ये जो छोटी बच्ची है इसका कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स, सो वॉट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर? मार्गीज मदर नेम इज मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो वो जो इंस्पेक्टर था वो बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो काफ़ी फास्ट चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। सो अब मैंने इसे एक 10-year के एवरेज बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. तो बोलता है कि जो उसका मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड ही patted Margie's head again. और वो मार्गी के सर पे फिर से हाथ रखता है। मार्गी was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी को काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी निराश हो जाती है, क्योंकि वो होप ये होप में थी कि जो इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को अपने साथ लेके जाएगा, जैसे कि एक बार टॉमी के साथ हुआ था। जो टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था और जो उसका इंस्पेक्टर आया था ठीक करने के लिए, वो उसे 1 month के लिए अपने साथ लेके गया था। सो शी सेड